हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं एक अच्छा टॉपिक के ऊपर बताऊंगा। ये जो मेरे हाथ पे ये आप लोग चीक देख रहे हैं ना, इसका देखिए, इसका जो मुंह के ऊपर है ना, इधर सॉफ्ट फूड या जो मम्मी लोगों लोग खिलाते थे वो खाना अटक के ऐसे उसका मुंह हो गया। देखिए आप लोग, लाइट के वजह से थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है। आप देखिए, अब पता चल रहा है। अब ये इसका दिखाओ, देखिए पूरा इसका मुंह के ऊपर ढक गया है। और इस मटके में तीन बच्चे थे, वो मर गए हैं। तो अभी मैं देखने गया, थोड़ा दो दिन में घर पे नहीं था तो बाहर था, इस दौरान ये हुआ है। तो ये अभी चेक करके मैं देख रहा था, तब देखा कि इसका मुंह में ये तो तैयार हो गया है। ये तैयार होने से क्या होता है, दिक्कत होता है। देखिए आप इसका होंठ ठीक से देखिए, मैं थोड़ा इसको लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख रहे हैं ये से क्या होता है, ठीक से दिख नहीं पाता। ये इसका आँख के ऊपर भी ये जम जाता है। ये ज़्यादातर इसका मुंह में जो इन लोग को सॉफ्ट फूड दिया जाता है ना, तो ये सॉफ्ट फूड खिलाने के टाइम कुछ गम जैसे इसका मुंह में लग जाता है, फिर मुंह के चारों तरफ ये जमते जम जाता है। फिर इधर जो उसका पॉटी रहता है, पॉटी भी लग जाता है कभी कभी, तो ऐसे दिक्कत हो जाता है। दिक्कत होने से ये बच्चा ठीक से बड़ा नहीं हो पाता है और ठीक से फीड भी नहीं खा पाता है, जिससे क्या होता है, जल्दी मर जाता है। तो आज आप लोगों को बताएंगे, अगर आपका चिक्स के होंठ के ऊपर अगर ये ऐसा जम जाए, देख रहे हैं आप जो ऐसा जम जाए, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता जा सकता है, इसका ठीक क्या कैसे किया जा सकता है, ये आप लोग देखिए। देखिए इसका पूरा ऊपर का पोर्शन का जो होंठ है ये पूरा एकदम लॉक हो गया है। ये येलो कलर का चीक है। इस मटके में तीन बच्चे थे, पता नहीं ज़्यादा गर्मी के वजह से कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। दो बच्चे मर गए, ये अकेला ही जिंदा है। तो अभी मैं रात को, अभी 12 बज रहे, मैं अभी बट के रूम में आया था चेक करने के लिए, तब देखा कि ये एकदम इसका मुंह के ऊपर जमा हुआ है, दिक्कत हो रहा है इसको खाने में, फीट इसका मम्मी ठीक से खिला भी नहीं पा रही है। तो चलो आज बताते हैं कि कैसे ये मतलब इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। एक बड़ा प्यारा चीज है। तो अभी फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा गुनगुना सा पानी लेंगे, इसके होंठ के ऊपर ऐसे ऐसे गीला करेंगे। आराम से करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास उसको नाक है, ये नाक में चले जाने से फिर इसको दिक्कत हो सकता है। तो ये क्या कर, हल्का गुनगुना पानी इसको पूरा सॉफ्ट कर देगा, सॉफ्ट कर दीजिएगा तो आराम से इसको निकाल पाएंगे। देखिए ये पूरा हल्का हल्का गीला हो रहा है, तो हल्का हल्का इसको खींचने की कोशिश करते हैं, क्या होता देखते हैं। चलो मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से कर रहा हूँ। ये देखिए इसका पूरा ये निकल गया, पूरा निकल गया। अभी ये चिक पूरा एकदम अच्छा हो गया इसका, तो देखिए इसका पूरा साफ हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग भी, आपका मटके में बच्चे जब होंगे चिक्स, तो आप भी ठीक से इसको चेक करेंगे। और चेक करने का टाइम अगर देखेंगे किसी बच्चे के होंठ के आसपास या आँख के आसपास ऐसा जम गया, तो आप लोग क्या करेंगे, हल्का सा गुनगुना सा पानी लेंगे, अपने हाथ से भी दे सकते हैं वरना आप कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको नाक में, मतलब नाक के पास या आँख के पास जहाँ ये जमा हुआ है, ये देखिए अभी तो पूरा आराम से ये ठीक हो गया। तो इसको क्या करेंगे, आप लोग देंगे, थोड़ा देर देखिए रुकेंगे, पर जैसे ही नरम हो जाएगा आप हल्के से इसको खींच लेंगे, तो फिर इसका जो मतलब जो लगा हुआ है वो निकल के इसका साफ़ हो जाएगा। फिर इसका एकदम कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसको मम्मी से फीड खाने में। तो चलिए अभी हम वीडियो को ख़त्म करते ही, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।